डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटर हेल्प जोन में खुश आमदीद। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अतर। आज मैं डिस्कस करूंगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस विद पेड ऑब्जर्वेशंस को। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल ट्यूटर हेल्प जोन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेड सैंपल टी टेस्ट। इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट टू मीन्स वी हैव यूज्ड इंडिपेंडेंट सैंपल्स, but there are many situations in which the two samples are not independent. This happens when the observations are found appears as the two observations are related to each other. When measurement is taken on the same unit or individual at two different times. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जब हम टू मीन्स को कंपेयर कर रहे होते हैं तो कुछ अजम्पशंस होती हैं जो हम अज्यूम करते हैं। फर्स्ट वन, सैंपल रेंडमली सिलेक्ट होते हैं। सेकंड वन, सैंपल के जो वेरिएंसेस हैं वो होमोजेनियस होते हैं, वो होमोसाइडोस्टिक होते हैं, और जो सैंपल्स हैं वो नॉर्मल पॉपुलेशन को बिलोंग कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस में हमारे पास जो सैंपल्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। जब सैंपल्स इंडिपेंडेंट नहीं होंगे फिर वो डिपेंडेंट सैंपल्स कहलाएंगे। डिपेंडेंट सैंपल्स में हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होती है वो पेयर की फॉर्म में होती है। एक ऑब्जर्वेशन दूसरी ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। शॉर्ट, जब हम एक ही यूनिट से, एक ही इंडिविजुअल से टू डिफरेंट टाइम्स रीडिंग लेते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, तो उसको हम डिपेंडेंट सैंपल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आर्मी में, पुलिस में जब नए रिक्रूट्स भर्ती होते हैं तो उनका एक ट्रेनिंग सेशन चलता है। 9 मंथ का ये ट्रेनिंग सेशन होता है। ट्रेनिंग से पहले उनका वेट किया जाता है और बिफोर और आफ्टर की जो ऑब्जर्वेशन है वो ट्रेनिंग की वजह से चेंज हो रहे हैं। तो एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन रीडिंग दो दफा ली जा रही है, तो ये डिपेंडेंट सैंपल्स कहलाएंगे। इसी तरह आप विदाउट प्रिपरेशन एग्जाम देते हैं तो आप उसमें फेल हो जाते हैं या फिर आपके अच्छे स्कोर नहीं आते। फिर आप एक टीचर से कंसल्ट करते हैं, टीचर आपको गाइड करता है, आपको टीच करता है, फिर दोबारा कोचिंग के बाद आप एग्जाम देते हैं तो आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसमें भी बिफोर और आफ्टर आपके पास ऑब्जर्वेशन आ रही है, ये भी डिपेंडेंट सैंपल्स है। इसी तरह एक पेशेंट है ब्लड प्रेशर का पेशेंट, उसकी रीडिंग ली जाती है, बीपी लेवल चेक किया जाता है, उसका बीपी लेवल शूट कर जाता है, फिर डॉक्टर उसको मेडिसिन देता है, मेडिसिन देने कुछ देर के बाद उसका अगेन ब्लड प्रेशर लेवल चेक किया जाता है तो वो नॉर्मल हो जाता है। ऑब्जेक्ट एक ही है लेकिन रीडिंग उसे दो दफा ली जा रही है, एक बिफोर और एक आफ्टर, तो ये भी हमारे पास डिपेंडेंट सैंपल्स होंगे। नेक्स्ट वन, जनरल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर टू मींस विद पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस। स्टेप नंबर वन, हम हाइपोथेसिस ड्रॉ करेंगे। एच नॉट म्यू डी इज इक्वल टू जीरो। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हाइपोथेसिस हमेशा पॉपुलेशन पैरामीटर्स के ऊपर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सैंपल्स हैं वो डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट में हम डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस को हम डी से डिनोट कर रहे हैं। म्यू डी स्टैंड फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मींस। एंड एच वन म्यू डी नॉट इक्वल टू जीरो, इस हाइपोथेसिस को हम टू टेल हाइपोथेसिस कहेंगे। याद रखिएगा, जब एच वन में नॉट इक्वल का साइन आता है तो वो टू टेल हाइपोथेसिस होता है। और सेकेंड हाइपोथेसिस इज एच नॉट म्यू डी लेस देन इक्वल टू जीरो, और अल्टरनेटिव क्या होगा, म्यू डी ग्रेटर देन जीरो। इसको हम वन टेल राइट साइडेड हाइपोथेसिस कहेंगे। और लास्ट पॉसिबिलिटी एच नॉट म्यू डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एच वन म्यू डी लेस देन इक्वल टू जीरो, इस हाइपोथेसिस को हम कहेंगे वन टेल लेफ्ट साइडेड हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स, जो हाइपोथेसिस हैं वो तीन तरह के होंगे। टू टेल हो सकता है, वन टेल राइट साइडेड हो सकता है, वन टेल लेफ्ट साइडेड हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर टू है। स्टेप नंबर टू में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करते हैं। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा क्वेश्चन में गिवन होता है, समटाइम गिवन नहीं होता, तो हम मैक्सिमम 5% तक यूज कर सकते हैं। स्टेप नंबर थ्री, टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक में यहाँ पे हम यूज करेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन। डी बार माइनस म्यू डी डिवाइडेड बाई एस डी अवर अंडर रूट एन। इस फार्मूला से जो वैल्यू फाइंड होगी उसको हम कैलकुलेटेड वैल्यू कहें। अब मैं इनके करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो डी है। डी जो है वो आपने आफ्टर माइनस बिफोर करना है। नेक्स्ट वन एस टी। एस टी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पेड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट वन डी बार, the sample mean of paired observations. Next one n, n stand for number of pairs. Next one d bar. D bar is equal to sigma d over n. Next one s d is equal to under root summation d minus d bar का whole square. Dear student, ये d के ऊपर bar लगा हुआ है, ये आपने याद रखने हैं। बहुत सारे का whole square है divided by n minus one. इसका एक और फार्मूला भी है, दोनों से आंसर सेम आएगा। हम डाटा के नेचर के मुताबिक फार्मूला यूज करेंगे।
एस टी इज इक्वल टू अंडर रूट वन ओवर एन माइनस वन इंटू समेशन डी स्केयर माइनस समेशन डी होल स्केयर ओवर एन। नेक्स्ट स्टेप नंबर फोर है। स्टेप नंबर फोर में हम क्रिटिकल रीजन डिफाइन करते हैं। क्रिटिकल रीजन को हम रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं। इसमें हम तीन तरह की इनइक्वालिटीज यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन टू टेल के लिए हम यूज़ करेंगे। मॉड ऑफ टी कैलकुलेटेड ग्रेटर दैन इक्वल टू टी अल्फा बाई टू वी, वी स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि एन माइनस वन के इक्वल होता है। सेकेंड वन टी कैलकुलेटेड ग्रेटर दैन टी अल्फा वी, ये हम यूज़ करेंगे फॉर वन टेल राइट साइडेड हाइपोथेसिस के लिए। एंड थर्ड वन टी कैलकुलेटेड लेस दैन माइनस टी अल्फा वी, ये हम यूज़ करेंगे फॉर वन टेल लेफ्ट साइडेड हाइपोथेसिस। जो क्रिटिकल रीजन होता है ये हम हाइपोथेसिस को देख के डिसाइड करते हैं। हाइपोथेसिस में भी तीन तरह की पॉसिबिलिटीज मैंने डिस्कस की थी और क्रिटिकल रीजन में भी तीन तरह की मैंने पॉसिबिलिटीज आपसे डिस्कस की हैं। वेयर वी इज इक्वल टू एन माइनस वन, वी डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि एन माइनस वन के इक्वल होती है। स्टेप नंबर फोर कंक्लूजन ड्रॉ होगा। कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए मैंने पहले भी आपको शेयर किया था कि जब कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से बड़ी होती है तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वन स्टैटिस्टिकल टेबल फॉर टी डिस्ट्रीब्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने टेबल है। टेबल में आप देख सकते हैं रो वाइज और कॉलम वाइज ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं। रो वाइज आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 से लेकर हमारे पास 29 तक है। और टॉप पे अगर आप देखें तो 0.40 0.25 ये अल्फा का लेवल है। ओके, राइट साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से वैल्यूज एज्यूम की हैं। टी अल्फा बाई टू वी, वी हमारे पास 9 के इक्वल है, अल्फा 5% के इक्वल है। तो चूंकि ये टू टेल है तो अल्फा को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.025 आ जाएगा और ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 9 के इक्वल है। अब इसकी वैल्यू देखने के लिए आप रो वाइज इधर से 9 देखें, 9 कहाँ पे आ रहा है, 9 को आप इधर से सिलेक्ट करें। मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ और टॉप पे हमारे पास जो अल्फा बाई टू का लेवल है वो 0.025 है। इस पर मैं क्या करूँगा, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा। जहाँ वैल्यू इंटरसेक्ट करेगी वो हमारी टेबुलेटेड वैल्यू होगी जो हमने चूज़ करनी है। तो यहाँ पे हमारी जो टेबुलेटेड वैल्यू है 2.26216 के इक्वल है। आई होप सो यहाँ तक आप इस मेथड को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और आपको टेबुलेटेड वैल्यू भी देखनी आ गई है। अब नेक्स्ट मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल करने जा रहा हूँ। 10 यंग रिक्रूट्स वर पुट थ्रू ऑस्ट्रेनियस फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय द आर्मी। देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड बिफोर एंड आफ्टर द ट्रेनिंग विद द फॉलोइंग रिजल्ट्स। यूजिंग 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वुड यू से दैट द प्रोग्राम अफेक्ट द एवरेज वेट ऑफ रिक्रूट्स? अज्यूम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स बिफोर एंड आफ्टर टू बी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में 10 यंग रिक्रूट्स हैं जो एक्सट्रीनियस फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू गुजर रहे हैं। उनके जो वेट्स हैं वो बिफोर और आफ्टर जो ट्रेनिंग है वो रिकॉर्ड किए गए और हमने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे बताना है कि क्या ट्रेनिंग जो है इन वेट्स को इफेक्ट कर रही है। जी हाँ स्टूडेंट्स, पहले भी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, जब हम एक ऑब्जेक्ट से दो दफा रीडिंग लेते हैं तो वो डिपेंडेंट सैंपल होते हैं। जैसे ही मैंने इस डेटा को रीड किया मुझे फौरन पता चल गया कि यहाँ पे हमने पेड सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करना है। मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। स्टेप नंबर वन, हम हाइपोथेसिस ड्रॉ करेंगे। हाइपोथेसिस यहाँ पे मैं टू टेल यूज करूंगा क्योंकि जो ट्रेनिंग है वो रिक्रूट्स के वेट्स को इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी, तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो टू टेल के लिए हम एच वन में नॉट इक्वल यूज करेंगे और एच नॉट में इक्वल। स्टेप नंबर टू, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा से डिनोट करेंगे। अल्फा क्वेश्चन में गिवन था 5%। नेक्स्ट वन स्टेप नंबर थ्री, टेस्ट स्टैटिस्टिक। यहाँ पे हम पेड सैंपल टी टेस्ट का फार्मूला यूज करेंगे। T इज इक्वल टू टी बार माइनस म्यू डी अवर एस टी अवर अंडर रूट एन। अब इस फार्मूला के मुताबिक मैंने कैलकुलेशंस करनी है। सबसे पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ, फार्मूला मुझे गाइड करेगा कि नेक्स्ट कैलकुलेशन मैंने कैसे करनी है। सो डी बार इज इक्वल टू समेशन डी अवर एन एंड एस टी इज इक्वल टू अंडर रूट वन अवर एन माइनस वन सम ऑफ डी स्केयर माइनस सम ऑफ डी होल स्केयर अवर एन। डियर स्टूडेंट्स, मुझे डी चाहिए। हमारे पास फर्स्ट जो कॉलम है डेटा में वो रिक्रूट्स हैं। रिक्रूट टोटल हमारे पास 10 है और जो उनका वेट है बिफोर एंड आफ्टर गिवन है। सबसे पहले आपने डिफाइन करना है डी स्टैंड फॉर डिफरेंस, डी स्टैंड फॉर डेविएशन। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम आफ्टर में से बिफोर को माइनस करेंगे। आफ्टर 136, बिफोर की जो वैल्यू है फर्स्ट रिक्रूट की वो 125 है। तो ये हमारे पास डिफरेंसेस के आंसर आते जाएंगे। जब हम डिफरेंस लेंगे तो कुछ का आंसर पॉजिटिव आएगा और कुछ का नेगेटिव आएगा। क्योंकि मुझे डी का सम भी चाहिए तो मैंने इस पूरे कॉलम का लास्ट पे टोटल भी फाइंड कर लिया है और सेकंड मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था पेड ऑब्जर्वेशन के लिए। इस फार्मूला में मुझे सम ऑफ डी स्केयर भी चाहिए। तो डी स्केयर निकालने के लिए इस डी की जो ऑब्जर्वेशन हैं इनका आपने स्केयर ले लेना है। स्केयर लेकर आप इनका सम करें
अब ये सारी वैल्यूज आपने फार्मूला में पुट कर देनी है। सो डी बार इज इक्वल टू समेशन डी अगर एन, पुट दी वैल्यूज एंड सॉल्व दी क्वेश्चन बाय डी मैथ रूल। सो डी बार इज इक्वल टू 4.7 एंड एस डी इज इक्वल टू 7.09। अब हम इन ऑब्जर्वेशन को टेस्ट स्टैटिस्टिक के फार्मूला में रिप्लेस करेंगे, वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें। हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो है 2.09। ये ऐसी वैल्यू है जो हम कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 में हम क्रिटिकल रीजन डिसाइड करेंगे। क्रिटिकल रीजन हम यूज़ करेंगे ड्यूटेल हाइपोथेसिस के लिए। मॉड ऑफ टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन टी अल्फा बाई 2 इंटू वी। वी डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि एन माइनस 1 के थ्रू हम फाइंड करेंगे। एन हमारे पास नंबर ऑफ रिक्रूट्स हैं वो 10 है। सो वी इक्वल टू 9। इन इक्वालिटी में वैल्यूज पुट करें। अल्फा को 2 पे डिवाइड करूंगा तो 0.025 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमने टेबल से देखनी है। यही वैल्यू कुछ देर पहले मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि आपने कैसे टेबल से देखनी है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू चूज कर रहा हूँ 2.262। और टी की जो हमारे पास वैल्यू है जिनके साथ मॉड है तो प्लस और माइनस में वैल्यू आएगी। सो टी इक्वल टू प्लस माइनस 2.262। इस वैल्यू को हम टेबुलेटेड वैल्यू कहेंगे। ये ऐसी वैल्यू है जो हमने टेबल से देखी। ओके नेक्स्ट बच्चों हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए हम नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये जो आपको कर्व नज़र आ रही है इसको हम नॉर्मल कर्व कहते हैं। इसके नीचे जितना भी एरिया होता है वो 1 के इक्वल है। हमारी जो टेबुलेटेड वैल्यू थी वो प्लस माइनस 2.262 थी। तो सबसे पहले मैंने नेगेटिव साइड पे यहाँ पे एक लाइन लगाई। इस लाइन पे हमारी जो वैल्यू है वो माइनस 2.262 है। इससे लेस वाला एरिया मैंने शेड कर दिया। और राइट साइड पे मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई। इस लाइन के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है वो 2.262 है। और इससे ग्रेटर वाला रीजन मैंने शेड कर दिया। दोनों जो शेडेड रीजन्स हैं इनको हम रिजेक्शन रीजन कहते हैं। इनको हम अल्फा बाई 2 से डिनोट करते हैं। इसको हम रिजेक्शन रीजन कहते हैं। और बिटवीन टू पॉइंट्स हमारे पास जो एरिया है वो एक्सेप्टेंस रीजन कहलाता है। हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.09 आ रही है वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है। सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा सेशन यहीं तक था। नेक्स्ट सेशन के साथ इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।